वो तो है अलबेला में शुरू हो चुकी है काना और सयूरी की लव स्टोरी। दोनों की फ्रेंडशिप अब आगे बढ़ने लगी है और धीरे धीरे देखते ही देखते दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा हो जाएंगे और फिर दोनों के बीच में होगा प्यार। फिलहाल के लिए दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। काना अपनी माँ के आगे सयूरी का स्टैंड लेगा और सयूरी को बाहर जाकर जॉब करने में सपोर्ट करेगा। इसके अलावा उसको थैंक यू कहने के लिए काना ये खूबसूरत सी चेन भी लेकर आया है जो वो सयूरी को गिफ्ट करते वक्त पहनाने वाला ही होता है कि अचानक से वो अपना मन बदल कर सयूरी को वो चेन ऐसे ही देने लगता है। लेकिन सयूरी खुद मुड़कर अपने बाल आगे करती है और काना को हिंट देती है कि वो चाहती है ये गिफ्ट काना उसे पहनाए, जिसके बाद दोनों के बीच में ये स्वीट सा मोमेंट होता है जब काना अपना लाया हुआ गिफ्ट सयूरी को अपने हाथों से पहनाता है और सयूरी को ये चेन बहुत पसंद आती है। लेकिन इन दोनों के इस बढ़ते हुए रिश्ते पर नजर लगती है अंजलि की। अंजलि इन दोनों को साथ देखकर बहुत जेलस होती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि ने एक पार्टी के लिए इन्हें इन्वाइट किया है जहां पर काना और सयूरी की जोड़ी सुपरहिट रहेगी। सयूरी को सभी लड़कियां छेड़ती नजर आएगी कि सयूरी ने इतना बड़ा हाथ मारा है, उसने सभी के फेवरेट काना को सबकी आंखों के नीचे से चुरा कर अपना पति बना लिया है, जिस पर सयूरी थोड़ा सा शर्माती हुई और थोड़ा ऑकवर्ड फील करती भी दिखेंगी। और यहाँ पर एक बार फिर से सयूरी के सेवियर यानी कि काना आएंगे और काना सभी के सामने कह देंगे कि सयूरी लकी नहीं है कि उसे काना मिला है, बल्कि वो खुद लकी है कि उनकी जिंदगी में सयूरी आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट होगा।